अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी के एक ही मिक्सचर से 3 अलग अलग नाश्ते। इसके लिए हमने 1 कप सूजी ली है, उसमें 2/3 कप दही डालेंगे, 1 चम्मच नमक। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। आधा कप पानी डालकर इसे फिर से मिला लेंगे और 15-20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, उससे सूजी थोड़ी फूल जाएगी। ये देखिए, 15-20 मिनट के बाद इसमें हम और आधा कप पानी डालकर इसे थोड़ा पतला करेंगे और अब इसमें सीजन की सभी सब्जियां जो हमारे पास हैं वो डाल देंगे। 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 प्याज और यहाँ पर मैंने बेल पेपर यूज की है, आप चाहें तो शिमला मिर्च डाल लें, थोड़ा सा मटर, 1/4 पत्ता गोभी कटी हुई, हरा धनिया। इन सब सब्जियों को डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप गाजर, चुकंदर, जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो सब डाल सकते हैं। अभी ये हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा पानी मिक्स कर लेंगे। लगभग 1/2 कप पानी मैंने डाला है, आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के हिसाब से पानी डाल लें। दो ब्रेड के स्लाइसेस लेकर इस मिक्सचर को हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी टोस्ट है क्योंकि सूजी और सारी सब्जियां इसमें हमने ली हैं और बहुत कम तेल या घी में हम इसे बना सकते हैं। इसके ऊपर हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। साइड में हमने तवे को गरम किया हुआ है, उसको ग्रीस करके सरसों के दाने और करी पत्ता डालेंगे और इन टोस्ट को उस पर धीरे से रख देंगे। अब दूसरी साइड भी हम ये मिक्सचर अच्छी तरह से फैलाएंगे। गैस को हमें स्लो ही रखना है ताकि स्लो गैस पर ही अच्छे से करारे सिक जाएंगे। घी या तेल किसी में भी से बना सकते हैं। ऊपर थोड़ा चिली फ्लेक्स डालें और कटा हुआ हरा धनिया, जिससे इनका कलर बहुत सुंदर आएगा। जब हमें लगे कि ये नीचे से सिक गया है तो हम इसको पलट देंगे। हमें इन्हें धीमी आंच पर ही बनाना है। दोनों साइड से सिकने के बाद ये लगभग तैयार हैं। इसी मिक्सचर से हम दूसरा नाश्ता बना सकते हैं। अपे स्टैंड को ऑयलिंग करके हमने उसमें सरसों और करी पत्ता डाला है और लगभग 1-1 चम्मच हम मिक्सचर इसमें डाल देंगे। अपे भी हम बहुत स्लो गैस पर बनाएंगे ताकि वो अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाएं। मिक्सचर डालने के बाद हम 1 चम्मच तेल फैला देंगे और जब ये सिक जाएं तो इन्हें पलटकर दूसरी साइड से सेक लेंगे। इसी मिक्सचर से हम तीसरा नाश्ता बना सकते हैं। तवे के ऊपर सरसों और करी पत्ता डाला है और 1 बड़ा चम्मच बैटर का फैला देंगे। इसके चारों साइड थोड़ा तेल डालेंगे और इसे स्लो गैस पर बनने देंगे। ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरा धनिया यूज करें। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तो आप इसे पलट लें। इस तरह से सूजी के एक ही मिक्सचर से हमने 3 हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार कर लिए हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं। सभी सब्जियां इसमें यूज हो जाती हैं और कम तेल में, कम घी में बनने की वजह से ये ज़्यादा हैवी भी नहीं होते। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।